ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इनटू एफएम फूडिया मस्ती ऑफिशियल। तो मैं आप लोगों का होस्ट और दोस्त जय सिंह ठाकुर फिर से आप लोगों को लेके आऊँ कहाँ पे, कमला नगर में, कमला नगर शक्ति नगर चौक के पास ही, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फेमस है फैशनो चाट भंडार नाम से चाट की शॉप है। यहाँ पे तरह तरह की चाटें मिलती है, यहाँ पे कलमी वड़ा भी मिलता है जो फेमस है कहाँ पे, पुरानी दिल्ली में फेमस है ज़्यादा। तो बाकी हम लोग चाट वगैरह यहाँ पे लगवाते हैं, यहाँ पे नवरात्रि स्पेशल चाट वगैरह भी मिल रही है। हमारी कोई भी माताएं बहनें हैं अगर वो स्पेशल चखना चाहती हैं यहाँ पे नवरात्रि स्पेशल चाट, तो वो भी खा सकती हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ लोकेशन, ये देखिए वैष्णव चाट भंडार। तो अब हम लोग भी देख लेते मेरा मतलब थोड़ा सा मेन्यू वगैरह देख लेते कि क्या कौन कौन सी चाट लगवा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कौन कौन सा इसका फेमस है चाट का, देखते हैं अगर कोई बात कर सकता है ओनर वगैरह यहाँ पे तो बात भी करके दिखाएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा रश आवर है देख सकते हो जैसे कि, तो मुश्किलों का थोड़ा सा बात कराना, कोई बात नहीं करवा पाएंगे तो भी इसकी भी कोई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और बाकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं और पता करते हैं कौन कौन सी चाट खाने वाले हम लोग, मज़ा बहुत आएगा, आ जाओ। ये हमारा बन रहा भैया, लच्छा टोकरी। ओके भैया, ये लच्छा टोकरी चाट। भैया ये कौन सा रहता है जो टोकरी है, किस चीज़ की यूज़ होती है? ये आलू की होती है, आलू के लच्छों की टोकरी। ओके ये छोले आ गए, छोले आ गए सफ़ेद चने। ओके पकौड़ी आ गया, ये क्या चीज़ है? पकौड़ी, पकौड़ी। ओके बड़ा टाइप है, बड़ा आ गया। ओके ये बड़ा आ गया, तो अच्छे तरीके से मैश करके लगा दिया। और ये ऊपर से आ गया मसाला, ये चाट मसाला क्या है? चाट मसाला। ओके ये हो गया नमक, साथ में आ गया भैया ठंडी ठंडी एकदम थिक दही आ गई। और थिकनेस देख लो भाई दही की, बहुत ज़्यादा ऑसम है, बहुत ज़्यादा थिक दही है, मज़ेदार दही है। तो एकदम पास का शॉट देखो भाई। और दोस्तों ये आ गया भैया हमारा, मीठी चटनी हो गई है सर, मीठी चटनी। तो इसके अंदर क्या अमचूर वगैरह डलता है, गुड़ वगैरह क्या चीज़ है? आम का होता है, आम का। ओके और ये आ गई थोड़ी सी स्पाइसी वाली है हरी चटनी, ठीक है। कचालू, ये कचालू आ गए। ओके ये कचालू है, ओके बहुत बढ़िया, कचालू भी ऊपर से आ गए साथ में। ये ऊपर ये सेव आ गई। ओके तो पूरी टोकरी हमारी तैयार हो गई है बिकने के लिए भाई, मज़ेदार टोकरी चाट लग रही है। और ये भैया हमारे जो भाई हैं जो बना रहे हैं, भैया आपका नाम क्या है? ओके और ऊपर से अदरक के लच्छे आ गए है ना, ये वाला शॉट में मिस कर गया, ये आ गया चम्मच ऊपर से। तो पहले हम लोग इसको टोकरी चाट को टेस्ट करके बताते हैं, इसके बाद लेंगे लाल आलू चाट। लाल आलू चाट भी भैया यहीं मिलेगा, इसी तरह बनेगा। ओके तो ये भाई हमारा लच्छा टोकरी। तो दोस्तों ये जैसे कि आपने मेकिंग देखी और लगवा ली भैया हमने अपनी टोकरी चाट, टोकरी तो इसमें ढकी गई है, इतना ज़्यादा इसमें सामान भर दिया, फिल कर दिया है अदरक के लच्छे के साथ, सेब वगैरह है और साथ में कचालू है। थोड़ा सा हटा हटा के दिखाना चाहूँ तो कचालू दही और मसालों के साथ है, चाट मसाला वगैरह भी है इसमें, साथ में इसमें अमचूर की चटनी है। अब भाई इसकी टेस्टिंग लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, बहुत ज़्यादा खुल रहा है, बहुत ज़्यादा बिखर भी रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा ऊपर से टेस्ट लेता हूँ इसका कचालू वगैरह के साथ। अच्छा है, चटाकेदार है, मसालेदार तो है ही है जैसे कि नॉर्मली चाट होती है। दही वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रेश यूज़ करा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पीनेस आ रही है इसकी, सेब की क्रिस्पीनेस अच्छी आ रही है, अदरक के लच्छे भी हैं वो भी बड़ा अच्छा साउंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट उभर के आ रहा है। भैया देखो मैं लड़की तो होने की चाट को एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मुझे चाट एक्सप्लेन करना इतने अच्छे तरीके से आता नहीं है, लेकिन ये है कि स्वाद बहुत बढ़िया है इसका। एक बार मैं चाटू नहीं जो भी समझ ले भाई, हम चाटू करता नहीं है। एक बार टोकरी भी तोड़ के देख लेते हैं, वैसे टोकरी टूट नहीं रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये टोकरी, तो क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा होगी। मैं हाथ से एक बार तोड़ के देखता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि चम्मच से तो टूटने से रही, थोड़ी सी चख के देखते हैं। ये आलू के लच्छे की टोकरी है, काफ़ी थिक है, सबसे बड़ी बात है हल्की सी नहीं है, मुलायम सी नहीं है, काफ़ी थिक है, काफ़ी ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी है, मज़ेदार टेस्ट है, मज़ा आ गया भाई ये टोकरी वाली चाट खा के। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, मैं एक बाइट और लेता हूँ, इसके बाद लगवाता हूँ लाल आलू वाली चाट।
बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। लाल आलू चाट बन रही है हमारी। ओके, ये मसाला सा करते हो क्या आप लाल? इसको खाली मिर्ची होता है। खाली मिर्ची होती है इसमें। ओके, और ये बॉयल्ड आलू है ना? बॉयल्ड आलू और मिर्ची है, ठीक है। ये ऊपर से आ गए चने छोले आ गए है ना? ओके, ये आ गया सॉल्ट, ये आ गया चाट मसाला है ना? चाट मसाला है। ओके, चाट मसाला अच्छे खासी क्वांटिटी में डाला है, और साथ में आ गई भैया वो ठंडी ठंडी दही, जैसे कि हमने उसमें देखा था टोकरी चाट में, सेम ही प्रिपरेशन है, बस नीचे है ना आलू चाट आ गया, सेम ही प्रिपरेशन है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं इसमें। ऊपर से आ गया भैया मीठी वाली चटनी और ये हरी वाली चटनी, साथ में कचालू। ओके, आइए अदरक के लच्छे, एक प्लेट गोलगप्पे, तो सेम ही मेकिंग है पूरी, ज़्यादा डिफरेंट था नहीं। चलिए थैंक यू। पाव भाजी कितने की है? तो ये तैयार है भाई हमारी लाल आलू वाली चाट। तो लगवा ली भाई हमने अपनी ये वाली एक प्लेट और आलू चाट की, एक प्लेट और क्या, यही वाली प्लेट है लाल आलू चाट की। इसका प्राइस है 80 रुपये, टोकरी चाट का प्राइस था 90 रुपये, थोड़ा सा कम हो सकता था, चलो कोई बात नहीं, ठीक ही है। अच्छा, तो अब इसकी भी जो प्रिपरेशन है ना, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, गार्निशिंग वगैरह अच्छी तरीके से कर रखी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर रखा है। एक बहुत बड़ा प्लेट है, पेट तो आपका आराम से भर जाएगा इस प्लेट में। लच्छे हैं वही है, कचालू है, अदरक के लच्छे, कचालू है, साथ में चटनी और वही है आपका दही वगैरह है। सेम जैसी प्रिपरेशन उसकी थी लच्छा टोकरी की, सेम उसी की प्रिपरेशन है, बस इसमें सेव नहीं डाली गई है, यही थोड़ा डिफरेंट है। तो भाई टेस्ट करके बताते हैं इसका स्वाद। ये गुड़िया मुझे देख रही है, अच्छा है। बॉइल्ड पोटैटोज को पहले लाल मिर्च में मैरिनेट कर दिया गया था अच्छी तरीके से, हल्का सा टाइट है आलू, ठीक है, रहने भी चाहिए थोड़े बहुत, अगर बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे ना तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, हलवा पन सा आ जाएगा। हल्के से टाइट है, ज़्यादा टाइट नहीं है, मज़ेदार है। और जैसे कि बहुत ही कमी शॉप ऐसी होगी जो हमारी माताओं बहनों को नवरात्रि स्पेशल यार यहाँ पे फूड प्रोवाइड करवा रही है, स्पेशल यहाँ पे इंजॉय करो आप आके, नवरात्रि का सीजन चल रहा है, मज़ा करो यहाँ पे आके। वैष्णवी चाट भंडार नाम से ही आप जैसे कि देख सकते हो, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे नवरात्रि स्पेशल मिल रही है, यहाँ पे फालूदा भी यहाँ पे नवरात्रि स्पेशल मिल रहा है, आप वो भी आके पी सकते हैं, यहाँ पे मज़ेदार है। दोनों चीज़ मुझे अच्छी लगी, टोकरी चाट भी और साथ में ये लाल आलू चाट भी। तो बस करते क्या है, रैपअप करते इस वीडियो को यहीं पर, मिलते बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और आओ इन्जॉय करो खाओ, मज़ा बहुत आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शटर डाउन। खाली दो चार बाइट अभी तक मैंने लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरे भैया आँख में पानी आने लग गया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, जिसको कहते हैं ना तासीर, तासीर ऊपर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ठंडा है, कुछ नहीं है, तीखा नहीं है, लेकिन जब खाओगे ना इसको अंदर आलू को खाओगे बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस लगेगा यार, बहुत ज़्यादा आग उगलने वाली स्पाइसीनेस है। तो लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई, लेकिन मैं इतनी स्पाइसीनेस पसंद नहीं करता। तो भाई ये है राज इस आलू लाल का, आलू लाल चाट का, ये लाल आलू चाट इसलिए कि लाल कर देगी, पूछना मत क्या चीज़ लाल कर देगी। तो चलो, 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 चलो।